आज 14 नवंबर है, आज का दिन है चिल्ड्रंस डे। जी आज के दिन हम आज पहुंचे हैं कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फेनेज, कलकत्ता मुस्लिम यतीम खाना। आज का दिन खास इस वजह से है, इस जगह के लिए। यहाँ कंप्यूटर सेंटर काफी दिनों से सुस्त रफ्तार में चल रहा था, इसको तेजी लाने के लिए नामी सामाजिक कारकुन इरफान अली ताज ने कुछ 10 कंप्यूटर और एक प्रिंटर गिफ्ट किया है ताकि यहाँ बच्चे पढ़ सके और से ज्यादा बच्चे पढ़े और ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता हो। इस बात जेर नजर रखते हुए कि सिर्फ किताबी तालीम जरूरी नहीं है, आपको टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी भी उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। इरफान अली ताज के जैसे और भी नौजवानों को, साथियों को जो काबिल हैं कि कौम के लिए, मुआशरे के लिए कुछ बेहतर कर सके, आगे आना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। आइए आपको इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। जनाब शफीक कासमी साहब, एक दिन हमारी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यतीम खाने में एक कंप्यूटर सेक्शन जो है वो बंद होने के कगार पे है। वजह यह है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर्स थी बहुत पुरानी हो गई है, सब ख़राब हो गया है। इसके वजह से हमारे जो बच्चे हैं अभी इस वक्त उस सेंटर का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करें हम लोग जिसके वजह से वहाँ दोबारा क्लासेस ऑन हो सके, और यहाँ जो क्लासेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब के एक तरीके से दिखाए तो फ्री में होता है। सिर्फ 250 रुपये आपको महीना देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो फैकल्टी हैं बहुत बढ़िया है। अगर यही जो यहाँ पे कोर्स होता है, अगर ये कोर्स आप करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज या जादवपुर यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको कम से कम 25,000 रुपये देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये महीने में होता है। और यहाँ जो यहाँ जो कोर्स होता है ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। इसकी सर्टिफिकेट जो है आपको जॉब पाने में या दीगर और आगे पढ़ाई करने में ये बहुत काम में आता है। तो क्यों एक अच्छा चलता फिरता इदारा जो है उसको हम ज़रा सी किसी चीज़ की कमी की वजह से क्यों हम लोग बंद होने दें? अगर ये बंद हो जाता है हम जैसे लोगों के रहते हुए समाज में होने के बावजूद, तो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने एक नेक काम हमसे करवाया है, हम लोगों से करवाया, हमारे टीम से करवाया है। आज 14 नवंबर का दिन है, हमारे देश में आज के रोज़ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो हमको नहीं लगता इससे अच्छा कोई गिफ्ट हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाले नस्लों को दे सकते हैं। और इंशाल्लाह जब जब दरकार लगेगी यतीम खाना इस्लामिया को या इस कंप्यूटर सेंटर को, हम लोगों से जो बन सकेगा हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, येस्टरडे इज हिस्ट्री, कल क्या हुआ हमने देखा नहीं, कल क्या हो सकता है उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें ये सवाल नहीं पूछेगी किसी से, क्योंकि हम लोग अगर आज कुछ करने के लायक होकर के भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें वही सवाल पूछेंगी जो आज आप हमसे पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम लोग की दरकार पड़ती है हम लोग वहाँ जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जहाँ जिस वक्त चाहे अम्फान हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो भी हो, जब अगर हमारे माँ बहन, हमारे भाई बुज़ुर्ग कोई अगर परेशान है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारा मज़हब हमको सिखाता है। और यही काम है जिसको कर करके आप जो लोग दूर हैं उनको करीब ला सकते हैं, जो सही राह पे हैं उनको सही रास्ता दिखाने का, जो ज़रूरतमंद है उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होने का, यही हम लोगों का मिशन है। हम लोग ये करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह ताला ने हयात दिया है ये काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। नहीं देखिए, भूले नहीं है, एक गैप हुआ है। एक गैप की वजह से होता है कि ना, कोई काम अगर चलता रहता है ना तो वो कंटिन्यू रहता है। बीच में जो हमारे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरा ये अल्फाज बुरा लगे, मेरा सेंटेंस बुरा लगे, बीच में इस ये गैप आ गया था। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग कुछ हैं जो बड़े बड़े इदारों में हैं, बट उनका कारनामा कुछ नहीं है, तो उसको देख के क्या होता है ना, जो नए आने वाले जनरेशन है वो देखते रहे यार कुछ तो हो ही रहा नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। कल यही लोग वो सोचते थे कि अरे इस्लामिया हॉस्पिटल जो है वो जैसा का तैसा पड़ा, आज बना है, बन रहा है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब 7 साल से सेकंड डिवीज़न में था, आज फर्स्ट डिवीज़न में गया है। करना पड़ेगा, सोच बदलनी होगी, मेहनत करना पड़ेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। की बात है कि इरफान अली ताज साहब ने यतीम खाना इस्लामिया कलकत्ता के लिए 10 कंप्यूटर अता किया और आज उसका इफ्तिताह बुज़ुर्गों के हाथों से करवाया। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कौम को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें और उसमें ख़र्च भी करें। इसको एक आला दर्जे का मरकज़ बनाया जाए,
कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आला तालीम के लिए उनको टेक्निकल तौर पर तैयार किया जाए। ये बहुत खुशाइंद बात है, हमें उम्मीद है कि और लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे और मज़ीद इसको तरक्की देने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं, अटकी हुई नहीं है। आपके सामने 8 मंजिला इस्लामिया अस्पताल नया बन के तैयार है और लोगों ने उसके लिए कोशिश की, मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। उसी तरह से यतीमखाना इस्लामिया भी अगरचे बहुत कदीम इदारा है मगर इसमें भी तरक्यात हुई हैं। जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बतलाया कि कई स्कूल इसके मातहत चल रहे हैं जिसमें 500-700 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मैार तो बड़ा है लेकिन जो तामीर हो रही है 6 नंबर में, तो जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए उसमें कमी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो कारकुनान हजरात हैं और इसमें जो फ़ाल लोग हैं, मेंबरान हैं, ये इस पर मज़ीद तरक्की की कोशिश करेंगे। खसूसी तौर पर इस्लामी अस्पताल की जो वक्फ बिल्डिंगें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने असलाफ़ ने इसमें वक्फ किया था, उसके डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें जो किराया वगैरह बहुत कम पुराने ज़माने का मिल रहा है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्लामिया यतीमखाना की आमदनियों को बढ़ा सकें और फिर उसी पैसे से हम इसमें मुख्तलिफ और भी शोबे कायम करें। हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हो गए हैं लेकिन अब जो ज़माना आया उसमें हमें वकला की ज़रूरत है और उसके साथ साथ IAS IPS की ज़रूरत है, उनका कोचिंग कराया जाए, उनकी तालीम आला तालीम का बंदोबस्त किया जाए। ये सब हमारे अभी फ़िलहाल करने के काम हैं जो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम हमारे जो बड़े हैं और हमारे जो कार करने वाले लोग हैं वो इस पर तवज्जो देंगे। तो इस यतीमखाना के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कोशिश किए जाए कि उसका एक प्लानिंग बनाकर और उसी के मातहत काम किया जाए। उसकी एक पहली मंजिल है 10 कंप्यूटर, हमारे अज़ीज़ इरफान अली ताज साहब ने यहाँ दिया है, ये एक बहुत खुशी की बात है। और भी आगे लोगों को बढ़ना चाहिए, जो हज़रा हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं काम करने वाले, कौम का दर्द रखने वाले, मिल्लत की गमगुसारी में वो ये काम कर सकते हैं मगर उसमें थोड़ी सी जागृति लाने की ज़रूरत है, थोड़ी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। अब जैसे हालात पैदा हो गए हैं मुल्क के सियासी और समाजी और इस तरह के जो मामलात आ रहे हैं, इसमें तो हमें और भी बहुत तेज़ी से काम करना होगा, तब हम जाकर अपनी मंजिल को पा सकें। देखिए ये बड़ी बात है और ये जज्बे की बात है कि आज इरफान अली ताज ने यतीमखाना इस्लामिया कलकत्ता को 10 कंप्यूटर, एक प्रिंटर दे करके कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और इस इदारे के तमाम ज़िम्मेदारों को, मिंबरानों को, कारकुनों को भी मुबारकबाद देता हूं। ये सिर्फ एक अतिया नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है कि एक जवान आदमी जिसका सोच मिल्लत को बेदार करना है, हर बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को, बच्चियों को IT सेक्टर का माहिर बनाना है, ये सोच को एक तहरीक में इंशाल्लाह हम लोग बदलेंगे और ये तहरीक बहुत जल्द कलकत्ता शहर से शुरू होगा, पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू होगा और हम लोगों का टारगेट है कि 2050 तक हमारे देश में एक भी मुस्लिम बच्चे बच्चियां जाहिल ना रहे, ये टारगेट है और इंशाल्लाह हम लोग पूरा करके रहेंगे। हम लोगों ने बार बार कहा है और आप अभी भी आपके ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हम अपने कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने शादी ब्याह में, बर्थडे में और दीगर प्रोग्राम में पैसे को बचाइए, कम से कम खर्च में शादी ब्याह कर लीजिए और अपने तालीम का 50% हिस्सा जो है, अपने आमदनी का 50% हिस्सा तालीम पर खर्च कीजिए। इंशाल्लाह 2050 में हम एक इनकलाबी कौम बन करके हिंदुस्तान में उभरेंगे इंशाल्लाह। महसूस कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने कोशिश भी किया है और इंशाल्लाह ये हम लोगों की एक कोशिश कामयाब हो गई है।
जो शायद आप लोग को पता नहीं है, हम लोगों ने गवर्नमेंट से मिल करके हज कमेटी के ज़रिए से हज कमेटी मगरबी बंगाल कम्पटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराएगी जो रेसिडेंशियल होगी, और ये न्यू टाउन राजरहाट में होगा, जिसके लिए टीम भी बन गई है, कमेटी भी बन गई है, और हमारे हज कमेटी के मोजज चेयरमैन साहब जनाब नदीमुल हक साहब ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए फ़ंड फराहम करने का भी पूरा ज़रिया बता दिया है, और इंशाल्लाह फरवरी से एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम कम्पटिटिव एग्ज़ाम होंगे, IAS, IPS, WBCS, नेट, और पुलिस डिपार्टमेंट में जो नौकरी का जो होता है, जो कम्पटिटिव एग्ज़ाम होता है, वो भी होगा। फाइनेंस कॉरपोरेशन इसको अदा करेगी, जो जिसका ये मिशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये मिशन है कि इस पैसे से माइनॉरिटी को तमाम कोचिंग करा करके उसको आगे बढ़ाया जाए। ये जिस तरह से सेंट्रल हज कमेटी में काम हो रहा है, इंशाल्लाह पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही होगा, और इसी तरह से बिहार हज कमेटी कर रही है, उसी नक्शे कदम पर पश्चिम बंगाल स्टेट हज कमेटी भी कर रही है। मैं नदीम भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ, और जिन लोगों ने हम लोगों के साथ मिलजुल करके इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया है, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा कदम है, और ये हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है ये काफ़ी दिनों से यहाँ चल रहा है, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गए थे, स्टूडेंट लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। चूँकि पेंडेमिक है तो हमारे पास जो है जिमखाना के डिफरेंट सेट में फ़ंड होते हैं, तो हम हत्तल अमकान कोशिश कर रहे थे कि उसको रन कर सके। तो इस दौरान में जो है हमारे इमाम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, इमाम शफीक साहब से। तो इमाम साहब को जब मैंने कहा कि ये मसला दरअसल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। तो ये उन लोगों की काविश का नतीजा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान अली ताज का, उन्होंने यतीम खाना को जो है उसके मल्टीमीडिया से सेंटर जो है उसमें 10 कंप्यूटर और एक प्रिंटर भी दिया, जिसकी वजह से बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है कंप्यूटर सेंटर, ये NCERT जो है ऑल इंडिया का उससे एफिलेटेड है, और इससे डिग्री लेने के बाद जो है छोटी मोटी नौकरियाँ जो है गवर्नमेंट में भी मिलने की तवक्को रहती है, और काफ़ी लड़के लड़कियाँ आते हैं। तो अब कुछ कंप्यूटर की कमी थी जो दूर हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। देखिए, फ़ंड की किल्लत के जहाँ तक सवाल है, तो ये तो पूरे दुनिया का मसला भी बना हुआ है, लेकिन हमारी सदर मोहतरमा साजदा अहमद MP जो है लोकसभा की, वो प्रेसिडेंट है, और वो हर वक्त यही कोशिश रहती है कि फ़ंड की कमी जो है या नहीं जो भी हो वो उसको ओवरकम कर लेते हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि वो जो है हम लोगों ने माली तआवुन का सिलसिला जारी रखा। आज भी उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, थोड़ी देर पहले उनसे मेरी फ़ोन में गुफ्तगी हो रही थी कि इस मल्टीमीडिया के इफ्तिताह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हत्तल अमकान कोशिश ये करें कि इस महीना के आखिर तक फिर हम बच्चों के एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट और करेंगे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला दरपेश नहीं है। मेरे ख्याल से 23-24 बच्चे हैं अभी, ये 31 बच्चे हैं वहाँ पर।